उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने महापौर से शहर में वाहनों की पार्किंग के लिए दिया ज्ञापन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने विशाल मनोहर शोभे सक्सेना जतिन अरोरा के नेतृत्व में महापौर डॉक्टर उमेश गौतम को एक ज्ञापन दिया। मांग की, बरेली शहर स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है और अभी तक गाड़ियों के लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। शहर में 3 पार्किंग है जिस पर कब्जा कर रखा है। इस संबंध में SP ट्रैफिक को व्यापार मंडल ने बात की। उन्होंने कह दिया था कि पार्किंग की वजह से उपलब्ध कराना नगर निगम की काम है। ट्रैफिक पुलिस ने मनमानी कर चालान काट रही है, व्यापारियों पर बोझ। व्यापार मंडल ने मेयर से पार्किंग की जगह उपलब्ध कराने की मांग की। हम भी माननीय महापौर जी से मिलने आए थे और जो हम देख रहे हैं इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की जो मनमानी गुंडागर्दी जो शहर में चल रही है, व्यापारी पूरी तरह से त्राहित है। कोई भी आता है, ना कोई पार्किंग जोन बनाया हुआ है, ना घोषित किया हुआ है, ना कोई साइन बोर्ड है, और खुलेआम अपने बदमाशी करते हैं। जिसकी मन चाहते हैं गाड़ी उठा कर ले जाते हैं, जिसकी नहीं चाहते उसको नहीं आते। इसी संदर्भ में कल हमारे कुछ व्यापारी नेताओं से भी झगड़ा हुआ था उनका। आज हम इसलिए महापौर से मिलने आए थे, हमारे शहर के प्रथम नागरिक हैं। हमने उनसे कहा है कि आप इसकी मध्यस्थता करके अधिकारियों से बातचीत कर इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि ये शहर की एक बहुत विकास समस्या बनती जा रही है। और हमने मांग करी है उनसे भी कि साहब, इस बार SP ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा अपने शिकायतें मिल रही हैं, उनका भी यहाँ से हटाने का तबादला किया जाए। कल हमारे व्यापारी साथी जो अपने पिताजी को हॉस्पिटल में दिखाने गए थे और किनारे पे गाड़ी खड़ी थी, ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी को उठा लिया। और गाड़ी उठाना इतना गलत नहीं था जितना बदतमीजी उन्होंने की। इससे क्षुब्ध व्यापारियों ने फिर आज ज्ञापन दिया है महापौर जी को। मेरा कहना है कि जो पिछले महीने 30 लाख रुपया इन्होंने वसूला है, उसमें से सरकार के खाते में मात्र 5 से 7 लाख रुपया गया है, बाकी सारा पैसा क्रेन वाले के खाते में गया है। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जो क्रेन का ठेका दिया है, अगर इसकी जगह चक्कों में ताला डाल दिया जाए मौके पर, तो सरकार के खाते में पूरे 500 रुपए आएंगे और क्रेन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसीलिए क्रेन को ठेके दिए गए हैं अनावश्यक रूप से कि उसमें हिस्सा है इन लोगों का। तो मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय महापौर जी तक कि इसको संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। धन्यवाद। देखिए, अभी तो मैंने फिलहाल तत्कालिक नगर आयुक्त को पत्र भेज दिया है, उसमें मैंने लिखा है कि SP ट्रैफिक और संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक करें और जो पार्किंग और नो पार्किंग जोन्स हैं उसमें साइन बोर्ड लगवाएं, जिससे कि लोगों को ये पता लग सके कि गाड़ी उन्हें कहाँ खड़ी करनी है, कहाँ नहीं करनी है। क्योंकि अगर चौपला से लेकर पटेल चौक और अब पटेल चौक से लेकर बरेली कॉलेज तक दोनों तरफ पार्किंग है, वहाँ पार्किंग की जा सकती है, गाड़ी खड़ी की जा सकती है। इसी तरह से जो चौकी चौराहा है उससे लेकर गांधी उद्यान तक दोनों साइडों में जहाँ जहाँ पर साइड पटरियाँ हैं उसके पीछे पार्किंग की व्यवस्था है। लेकिन मुझे पता लगा है कि वहाँ कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, कुछ ठेले वालों ने या ढाबे वालों ने, तो उनको हटाया जाएगा जिससे कि वहाँ पार्किंग लोग कर सकें, क्योंकि वो पार्किंग की ही जगह छोड़ी गई है। तो लोग अगर साइन बोर्ड लग जाएंगे तो लोगों में ये भावना ख़त्म हो जाएगी कि कहाँ पर पार्किंग है और कहाँ पर पार्किंग नहीं है। तो ये साइन बोर्ड लगाकर तात्कालिक एक सुविधा दी जाए और उसके बाद हमारी जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसमें भी तेजी लाई जाएगी। 2020 तक 2 मल्टी लेवल पार्किंग बरेली के लोगों को जल्दी ही मिल जाएंगी।